खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना मित्र लॉग इन कर लेना लॉग इन करने के बाद में आपको यहाँ पर राइट साइड में लैंग्वेज आपको सबसे पहले चेंज कर लेना है यहाँ पर आपको हिंदी लैंग्वेज चेंज कर लेनी है यहाँ पर आपको लैंग्वेज चेंज करने के बाद में आपको देखने को मिल रहा एप्लीकेशन टाइप सर्विस आपको इस पर क्लिक कर देना इस पर आप जैसे क्लिक करोगे ऐसा पेज आपको देखने को मिलेगा एन ए पे से आपको सर्च कर लेना यहाँ पर आपको दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र जिस भी क्षेत्र से आपको फॉर्म भरना उसको आपको सेलेक्ट कर लेना जैसे मैं ग्रामीण क्षेत्र से फॉर्म भरना चाहता हूँ यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद में आपको आधार नंबर यहाँ पर आपको फ़िलअप कर देना राशन कार्ड में जो मुखिया उसके आपको यहाँ पर आधार नंबर डाल देना मैं आपको बताना चाहूँ जो यहाँ पर राशन कार्ड मुखिया उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है तभी जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हो तो यहाँ पर उसके आपको आधार नंबर डाल देना जैसे मैं यहाँ पर सही से आधार नंबर फ़िलप कर देता हूँ आपको भी आधार नंबर यहाँ पर डाल देना आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा ऑप्शन आप देख सकते हो आगे बढ़े यहाँ पर आपको आगे बढ़े इस पर आपको क्लिक कर देना ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा इस पर आपको टिक पर लगा देना उसके बाद में आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना ओके कर पर आप जैसे क्लिक करोगे जो यहाँ पर आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओ चला जाएगा तो आपको यहाँ पर ओ आपको डाल देना सही से आपको यहाँ पर ओ दर्ज कर देना जैसे मैं ओ डाल देता हूँ ओ डालने के बाद में आपको सही का ऑप्शन देखने को मिल रहा सही पर आपको क्लिक कर देना सही पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपको डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी ऐसा मैसेज आपको देखने को मिलेगा ओके पर आपको क्लिक कर देना उसके बाद में जो यहाँ पर जनाधार कार्ड के सदस्य यहाँ पर सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे तो आपने जो भी यहाँ पर मुखिया के यहाँ पर आधार नंबर डाले थे उसको आपको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना आपको चेक बॉक्स पर यहाँ पर आपको मार आपको लगा देना यहाँ पर नाम आपको देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर आपको टिक मार्क लगा देना उसके बाद में सबमिट पर आप क्लिक कर देना सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है सबमिट पर आपको क्लिक कर देना सबमिट पर आपको क्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके से आपको यहाँ पर नीचे आपको आ जाना जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर सारी की सारी आपको टेल आपको देखने को मिल जाएगी जन आधार कार्ड के माध्यम से पूरी की पूरी यहाँ पर भरी हुई आपको टेल आपको देखने को मिल जाएगी इस तरीके से जैसे यहाँ पर आप राइट साइड से स्क्रॉल अप करोगे तो आपको भी यहाँ पर पूरी की पूरी कंप्लीट आपको टेल आपको देखने को मिल जाएगी आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा का पूरा एक कंप्लीट आपको बढ़ा हुआ आपको इस तरीके से फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद में यहाँ पर आप आपको आपके यहाँ पर कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आपकी वैवाहिक स्थिति यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी श्रेणी आपको आप देख सकते हो यहाँ पर आपको श्रेणी आपको सेलेक्ट कर लेनी इस तरीके से आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी जो भी आपकी कैटेगरी आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है वैवाहिक स्थिति यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है आपको देखने को मिल जाएगी उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से आपको टेल आपको देखने को मिलेगी ग्रामीण आपको इस पर टिक मार्क लगा देना यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलअप हो जाएगा पूरा का पूरा यहाँ पर डाटा अगर यहाँ पर आपको फिलअप नहीं हुए तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपको यहाँ पर ऑफिसियल यहाँ पर आपको बल लेना आपको इस तरीके से चूज़ करके यहाँ पर जो भी आपकी टेला आपको पूरी की पूरी आपको कंप्लीट आपको बल लेनी इस तरीके से आप सेव करोगे तो यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा तो पहले आपको आपके मोबाइल नंबर आपको सही से आपको डाल देने जो यहाँ पर पहले से रजिस्टर्ड ना हो वही आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना यहाँ पर इस तरह की सी व्यवाहिक स्थिति आपको सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको देखने को नहीं मिले तो आपको आपको यहाँ पर जो भी आपकी टेल है आपको पूरी की पूरी आपको भर लेनी है जो भी आपका समागर डिस्ट्रिक्ट है पंचायत समिति है तहसील है आपको यहाँ पर पूरी की पूरी कंप्लीट आपको भर लेनी है उसके बाद में नीचे पर आपको चेकबॉक्स पर टिक मार्क लगा देना तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर भर जाएगी उसके बाद में सेव करें सेव करे पर आपको क्लिक कर देना सेव करे पर आप जैसे क्लिक करोगे तो ऐसा पेज आपको देखने को मिल जाएगा आप देख सकते हो इस तरीके से आपको भी ये मैसेज आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा आपको वेट करना यहाँ पर यही मित्र पंजीकरण संख्या आई सेव के लिए पहले से सेव इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा तो आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना ओके पर आप जैसे क्लिक करोगे अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर अगला इस पर आपको क्लिक कर देना अगला पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो खाद्य सुरक्षा अपील आवेदन आपको ऐसा पेज आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर कस्टमर की फोटो आपको देखने को मिल जाएगी अगर फोटो आपको देखने को नहीं मिले तो यहाँ पर चूज फाइल आपको देखने को मिल रहा है आप देख सकते हो चूज फाइल इस पर आपको क्लिक करके आप यहाँ पर फोटो भी अपलोड कर सकते हो यहाँ पर ऑलरेडी आपको फोटो आपको देखने को मिल जाएगी या आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हो उसके बाद में लिंक आपके यहाँ पर पुरुष महिला जो भी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना संबंध का प्रकार पिता या पति जो भी अगर आप लेडीज़ के नाम से भर रहे हो तो आपको पति सेलेक्ट करना अनिल आपको पिता आपको सेलेक्ट कर लेना आवेदक के पिता व पति का नाम यहाँ पर आपको डाल देना सही से जो भी यहाँ पर नाम है आपको यहाँ पर फिलअप कर देना जैसे मैं अपन नाम डाल देता हूँ आपको भी सही से यहाँ पर आपको नाम डाल देना तो यहाँ पर आपको नाम डालने के बाद में आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट आपको नाम डाल देना नाम डालने के बाद में आपको नीचे आपको आ जाना जैसे आप नीचे आओगे यहाँ पर ट्रेल आपको देखने को मिल रही है उसके बाद में यहाँ पर मुखिया का आपको यहाँ पर पूरा विवरण यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मुखिया का यहाँ पर आपको पूरा यहाँ पर डाटा आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद में आपको नीचे जाना जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी जो भी यहाँ पर समावेश प्राथमिकता की श्रेणी तो इसके बारे में पूरा आपको बताऊँगा यहाँ पर इस सारे के सारे यहाँ पर छब्बीस कैटेगरी यहाँ पर दी हुई है तो इनके बारे में पूरा आपको कम्प्लीट बता देता हूँ यहाँ पर इन छब्बीस कैटेगरी के अंदर आपको यहाँ पर जो भी एक कैटेगरी आपके पास हो तो आप यहाँ पर एन एफ जो भी खास सुरक्षा योजना उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर पूरी की पूरी जैसे यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ जैसे आप अंत्योदय परिवार से हो स्टेट बी परिवार से हो या भूमिन कर्षक हो या श्रम विभाग में पंजीकृत हो जो भी यहाँ पर साइकिल रिक्शा चालक जो है यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है आप यहाँ से पढ़ सकते हो इन कैटेगरी के अंदर एक भी कैटेगरी के अंदर आप आते हो तो आप यहाँ पर खास सुरक्षा योजना के यहाँ पर लाप ले सकते हो फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हो तो यहाँ पर आपको एक कैटेगरी के पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है उसके बाद में आप इन छब्बीस कैटेगरी के, तेग के अलावा अगर यहाँ पर नीचे और कैटेगरी दी हुई है अगर इन कैटेगरी में भी शामिल है तो आप यहाँ पर फिर भी खास रूप से योजना का आवेदन कर सकते हो जो यहाँ पर नीचे कैटेगरी दी हुई है जैसे आप यहाँ पर पेंशन के पेंशन लेते हो उसके बाद में यहाँ पर जैसे मनरेगा में यहाँ पर पंजीकरण तो यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर दी हुई है मैं आपको बताऊँ जैसे आप देख सकते हो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना इस तरीके से मुख्यमंत्री वृद्धा सम्मान योजना अगर इनमें भी आप अगर पंजीकृत हो तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हो खास सुरक्षा योजना के लिए तो आपको यहाँ पर टिक मार्क लगा देना उसके बाद में नीचे आ जाना यहाँ पर आपको चेक बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपको टिक मार्क आपको लगा देना इस चेक बॉक्स पर अगर आप यहाँ पर श्रम विभाग में पंजीकृत हो तो आपको यहाँ पर जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट हो वो आपको यहाँ पर अपलोड करना रहता उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है यहाँ पर आपको देखने को मिला है संलग्न आपका आधार कार्ड सबसे पहले एप्लीकेंट का यहाँ पर आपको आधार, आधार नंबर आपको डाल देना है यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको वेरीफाई कर लेना है या आप चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हो उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर नाम में आपको एप्लीकेशन फॉर्म नाम आपको डाल देना उसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करके फॉर्म आपको अपलोड कर देना एफिडेविट यहाँ पर आप इस तरीके से आपको अपलोड कर देना उसके बाद में यहाँ पर अदर में जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट है यहाँ पर आपको अपलोड कर देना जो भी आपके पास पूरे कंप्लीट ऐप पर डॉक्यूमेंट है यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है उसके बाद में आपको सेव करें इस पर आपको क्लिक कर देना और यहाँ से आपको आपके मित्र उलूट के माध्यम से आपको इसका पेमेंट आपको कर देना पेमेंट करने के बाद में आपका सक्सेसफुली फॉर्म भर जाएगा उसके बाद में आप वापसी मित्र पर आकर आपका अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हो तो पूरा का पूरा मैंने आपको कंप्ड आपको बता दिया इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हो तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को साड़ा